वेलकम टू माई चैनल हंग्री गर्ल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल के न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज मैं आपके साथ चिल्ली पनीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करें और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करें। थोड़ी सी लाल देगी मिर्च ऐड करें, सॉल्ट बाय टेस्ट ऐड करें, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करें और चुटकी भर हींग डालें और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करें। अब पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बना लें। देखिए बिल्कुल इतना गाढ़ा घोल बनाना है जितना मैंने बनाया है। अब इस घोल में पनीर क्यूब्स ऐड करें और पनीर को अच्छे से डिप कर लें। अब 5 मिनट तक पनीर को रेस्ट करने दें। इतनी देर एक पैन में ऑयल चढ़ाएं पनीर को फ्राई करने के लिए। अब एक एक पीस करके पनीर का ऑयल में ऐड करें। 3 से 4 मिनट तक ये पनीर के पकौड़े बनके रेडी हो जाते हैं। देखिए कितना सुनहरी कलर आ चुका है। पनीर फ्राई हो चुका है, अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लें। अब हम चिली पनीर बनाने का तड़का स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। थोड़ा सा गर्म होने पर 2-3 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज ऐड करें। अब इसमें रफली चॉप्ड अनियन ऐड करें, कैप्सिकम ऐड करें। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि चीज़ चिली में जो सब्जियाँ हैं वो क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अब इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड करें। अब फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करें, सॉल्ट बाय टेस्ट डालें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करें, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करें और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड करें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर का पानी ऐड करें। मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था, वही ऐड किया है। ऊपर से थोड़ा नॉर्मल पानी डालें। अब एक बॉयल आने तक पका लें। देखिए हमारा चिली पनीर रेडी है, इसे हॉट सर्व करें। बहुत टेस्टी और इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। डिश पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।